फौजी ने दी 23 फरवरी को सीएम मोहन यादव की सभा में आत्मदाह की चेतावनी। कलेक्टर को लिखा पत्र, जानिए पूरा मामला इस खबर में। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। नीमच में एक फौजी ने सीएम मोहन यादव की 23 फरवरी को प्रस्तावित सभा में आत्मदाह करने की चेतावनी दी। इसे लेकर फौजी ने कलेक्टर को एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि उसके घर के सामने जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है और वो तहसील के चक्कर काट काट कर थक गया है और अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए अब वो आत्मदाह के लिए मजबूर हो गया है। 23 फरवरी को सीएम मोहन यादव का नीमच दौरा प्रस्तावित है। यहाँ वो विभिन्न योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे, साथ ही अलग अलग योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ पत्र भी वितरित करेंगे। लेकिन इस दौरे से पहले भगत सिंह जाट नाम के एक फौजी ने उन्हें पत्र लिखकर कहा कि वो भूमाफिया से परेशान होकर उनकी सभा में आत्मदाह करने को तैयार है। उसका कहना है कि उसकी जमीन पर किसी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और इसकी शिकायत तहसील में करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अब उसके सामने आत्मदाह करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। ये मामला जीरन क्षेत्र के हरवार का है। भगत सिंह ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा कि प्रार्थी भोजी भगत सिंह, पिता ओम प्रकाश जी जाट, जाति जाट, निवासी ग्राम हरवार, तहसील जीरन, जिला नीमच, मध्य प्रदेश का निवासी होकर श्रीमान के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह कि प्रार्थी के घर के सामने विपक्षी द्वारा जानबूझकर भूमाफिया द्वारा भूमि पर कब्जा व भूमि को हड़पने की मंशा से रजिस्ट्री कहीं और करवाकर चतुर्थ सीमा घर के सामने की लिखवाकर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय में की गई, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तहसीलदार महोदय द्वारा कहा जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह कि प्रार्थी भारतीय सेना में पदस्थ होने से कुछ समय का अवकाश लेकर घर आता है, किंतु उक्त समय में भी 10 तरह के कार्यों में व्यस्त होने से परिवार को समय नहीं दे पाता है। इस बार का अवकाश भी पूरा तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने में पूरा हो गया, जिससे प्रार्थी परेशान हो गया है। उक्त न्याय व्यवस्था से परेशान होकर प्रार्थी 23 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री की सभा में आत्मदाह करने को तैयार है। अतः मुख्यमंत्री से निवेदन है कि प्रार्थी को न्याय नहीं मिलता है तो प्रार्थी माननीय मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह करने को मजबूर है। इस प्रकार भगत सिंह ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की सभा में आत्मदाह करने की बात कही। देखना होगा कि इस पत्र के बाद स्थानीय प्रशासन समय रहते कोई एक्शन लेता है या नहीं। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।